गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्वरोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन स्वरोजगार ऋण वितरण मेले में ऑनलाइन किया ऋण वितरण। गोरखपुर के 6 व्यक्ति हुए लाभान्वित, कहा उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बने युवा। बाढ़ प्रभावित 4 जनपदों का प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने किया हवाई सर्वेक्षण, कहा स्थिति सामान्य, कहीं नहीं है कोई दिक्कत। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा बैठक। तटबंधों पर निरंतर पेट्रोलिंग किए जाने सहित कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के दिए निर्देश। गीडा थाना क्षेत्र के नौसर चौकी अंतर्गत एकला बाजार चौराहे पर बजाज ऑटो एजेंसी में घुसकर बदमाशों ने एजेंसी मालिक के बेटे को मारी गोली। मौके से हुए फरार, डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज किया रेफर, चल रहा इलाज। जनपद के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभाग संजय आर भूसरेड्डी ने किया महानगर के मलिन बस्ती का निरीक्षण। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। डीएम ने होम आइसोलेट किए गए लोगों की जांच के लिए और मोबाइल मेडिकल यूनिट की मांग। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने शुक्रवार को सदर तहसील के बाढ़ प्रभावित ग्राम सेमरा का नाव से किया निरीक्षण। शुद्ध पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी बैठक। नकल विहीन और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश, कहा बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। घगसरा में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, परिजन अनन फनन में घायल को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल, डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में किया रेफर। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा हमलावरों की जल्द होगी गिरफ्तारी। नाथ पंथ और गुरु गोरक्षनाथ पर कई किताबें लिख चुके डॉक्टर प्रदीप कुमार राव को मिला हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित गुरु गोरक्षनाथ शिखर सम्मान, कहा पुरस्कार मिलने से प्रेरणा मिलेगी दूसरों को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की डीडीआर ने किया विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में एंटी रोमियो के प्रभारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। कोविड-19 वैश्विक महामारी के जारी गाइडलाइन को भी अनुपालन कराने के दिए गए दिशा निर्देश। खोराबार पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल और 1 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। सीओ कैंट ने कहा की जा रही है विधिक कार्रवाई। राजघाट पुलिस ने 15,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली ने कहा जिले के कई थाने में था वांछित, भेजा गया जेल। गोरखपुर में शुक्रवार को 4 डॉक्टर समेत 211 कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 1 बुजुर्ग की हुई मौत। जिले में 3,194 हुई पॉजिटिव केसों की संख्या, अब तक 69 संक्रमितों की हो चुकी है मौत। एक्टिव मरीज हुए 1,480। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। रामगढ़ताल थाना की पुलिस ने एक अंतर जनपदीय शातिर अपराधी को देशी तमंचा और 1 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। सीओ कैंट ने कहा थाने के टॉप 10 लिस्ट में था शामिल, भेजा गया जेल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार में सभी प्राइवेट अस्पतालों और पैथोलॉजी के लैब टेक्नीशियन को दिया गया प्रशिक्षण। सशर्त एंटीजन किट कराया गया उपलब्ध, दिए निर्देश, कहा जाँच के नहीं लगेंगे कोई शुल्क। बासगांव सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते को 3 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध पर शेरनी दस्ता कसेगी नकेल, दिलाएगी सुरक्षा का एहसास। और 3 थाना क्षेत्रों में लगाए गए लॉकडाउन पर बोले एडीएम सिटी, कहा कोरोना मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण लगाया गया लॉकडाउन, लोगों से की अपील लॉकडाउन का करें पालन, घरों में रहें सुरक्षित रहें।